हरे कृष्णा। आप सभी का स्वागत है इस श्रील प्रभुपाद लीलामृत सीरीज में। हम हर रोज एक प्रभुपाद की लीला देख रहे हैं। आज भी आप हम एक प्रभुपाद की एक लीला देखेंगे। छोटी सी लीला है। एक बार एक व्यक्ति श्रील प्रभुपाद से मिलने आया था, मंदिर में आया था इस्कॉन के। तो श्रील प्रभुपाद से मिला, वो कुछ बातचीत कर रहे थे। फिर बाद में वो श्रील प्रभुपाद को बोला, स्वामी जी ये भगवद गीता जो है भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कही थी 5000 साल पहले, ये 700 श्लोक जो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहे, तो इसमें मैं भगवद गीता पढ़ा हूँ। कही तो भगवद गीता में भगवान ऐसे कहते हैं कि आप कुछ भी करो, आप उसी जो गोल है, जो एम है, जो डेस्टिनेशन है, उसी डेस्टिनेशन पे पहुंचोगे। ऑल पाथ लीड टू वन गोल, ऐसे कही तो भगवद गीता में लिखा है कि आप कुछ भी करो, आप जो चाहे करो, आप जो भी करोगे उसी डेस्टिनेशन पे, उसी उद्देश्य पे, उसी गोल पे आप पहुंचोगे। तो श्रील प्रभुपाद बोलते हैं कि आप ऐसे बोल रहे हैं कि ऑल पाथ लीड टू सेम गोल, कि आप कुछ भी करो आप उसी गोल पे पहुंच जाओगे, उसी डेस्टिनेशन पे पहुंच जाओगे। तो मेरा ये प्रश्न है कि भगवान श्री कृष्ण को भगवद गीता बोलने की ज़रूरत ही क्या थी अर्जुन को? अगर आप कुछ भी करो आपका वही गंतव्य है, एक ही गंतव्य है, तो अगर अर्जुन लड़ाई करे या ना करे, भगवद गीता सुने या ना सुने, उसका तो एक ही गंतव्य है। तो भगवान श्री कृष्ण ने भगवद गीता बोली भी नहीं होती तो अर्जुन का वही गंतव्य था। अगर बोली भगवान ने गीता, अर्जुन ने सुनी भी, तो भी वही गंतव्य है। तो भगवान को भगवद गीता बोलने की ज़रूरत ही क्या थी? तो फिर वो व्यक्ति चुप हो जाता है, क्योंकि ये धारणा बहुत फेमस है कि ऑल पाथ लीड टू सेम गोल। तो प्रभुपाद कहते हैं कि फिर भगवान को ये गीता बोलने की ज़रूरत ही नहीं थी। लेकिन भगवद गीता में क्या कहा है? यान्ति देवव्रता देवान पित्री यान्ति पित्रीव्रता भूतानि यान्ति भूतेज यान्ति मदयाजिनोपि माम। तो प्रभुपाद बोलते हैं कि भगवान ने कहा है अगर आप देवताओं की पूजा करोगे तो आप देवताओं के पास जाओगे, अगर आप पितरियों की पूजा करोगे पितृलोक में चले जाओगे, भूतों की पूजा करोगे तो भूतों के पास जाओगे, और अगर मेरी पूजा करोगे तो मेरे पास आओगे। तो ऐसा भगवद गीता में भगवान ने क्लियरली कहा है, ऐसा कहा है कि आप कुछ भी करो आप एक ही गंतव्य पर पहुंचोगे, ऑल पाथ लीड टू सेम गोल। कहा है ऐसा नहीं है। अगर आप ट्रेन में बैठोगे और जो ट्रेन कलकत्ता जाने वाली है, मुंबई से ट्रेन कलकत्ता जा रही है, और उसमें आप बैठते हो और सोचते हो कि मैं कन्याकुमारी चला जाऊंगा, तो ये पॉसिबल नहीं है, मूर्खता है। ऑल पाथ डोंट लीड टू सेम गोल। तो श्रील प्रभुपाद बताना चाहते हैं कि इस लीला से कि ये जो गलत धारणा है, ऑल पाथ लीड टू सेम गोल, ऑल पाथ डोंट लीड टू सेम गोल। अगर हमको भगवान के धाम जाना है तो भगवान श्री कृष्ण की ही आराधना करेंगे, करना पड़ेगी, और उनका ही सेवा करना पड़ेगा, उनका नाम जप करना पड़ेगा, तो हम भगवान श्री कृष्ण के धाम में जा सकते हैं। तो ऑल पार्ट डोंट लीड टू सेम गोल, ये श्रील प्रभुपाद बताना चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।